नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीर में आपको एक टॉपस जो है दिख रहा होगा, कानों का झुमका कह लें या कुछ भी कह लें। आपको बता दें कि ये सोने का है और आपको बता दें हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं ये करनाल की नई अनाज मंडी के अंदर जो है वहीं पर होते हैं और ईमानदारी का एक तरीके से सबूत जो है उन्होंने देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहां पर बता दें ये खुद ब खुद इंसान के अंदर होता है, क्योंकि लगातार जो है उनके कॉल्स भी आ रहे थे लेकिन व्यस्त होने की वजह से हम उनसे मिल नहीं पा रहे थे और आज वो खुद जो है हमारे दफ्तर पहुँच जाते हैं और उनके पास एक जिस तरीके से सोने का किसी महिला का गिरा हुआ टॉपस जो है कान का वो गिरा हुआ उन्हें मिला और लगातार वो कॉल्स कर रहे थे, व्यस्त होने की वजह से उनसे नहीं मिल पाए और आज वो खुद चलकर आए हैं इसलिए ताकि ये जो है उसके असली मालिक तक ज़रूर पहुंच जाए, क्योंकि यहां पर इनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। क्या कुछ इनका नाम है सर, क्या नाम है आपका, कहां से हैं आप? कृष्ण नाम है मेरा और अनाज मंडी में मैं आड़त का काम है मेरा। जी जी जी, हाँ जी। तो ये आपको कब मिला था ये टॉपस? तो मेरे को 3 दिन पहले मैं अनाज मंडी से अपना काम फारिग करके और जैसे ही सब्जी मंडी में फ्रूट सब्जी वगैरह लेने गया तो मेरा सामने इस पे नज़र पड़ी, तो मैंने उठा के देखा तो मैंने फिर अपने यार दोस्तों को जो सराफे का काम करते हैं उनसे मैंने चेक कराया इसको, तो उन्होंने बोला है कि ये गोल्ड का ही है। गोल्ड का ही है? हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस किसी का भी हो और वो अपना ये उसके पास पहुँच जाए, इसलिए मैंने उठाया था इसको। तो और 3 दिन से मैं इसीलिए कॉल कर रहा हूँ। जी जी जी। तो आपको ये जैसे मिला है तो वहाँ पर तो बहुत सारी लेबर है, फीमेल्स भी होती हैं वहाँ पे, तो ये हो सकता है उन्हीं का ही हो? हाँ, हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वही है जब आपके थ्रू कहीं न्यूज पे अपना किसी को सुनाई देगा, पता लगेगा, तभी कोई पहुँच सकता है। ऐसे क्या हम किसको पूछें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं इसके लिए? तो इसकी पहचान कुछ ऐसे होगी कि जो इसके साथ का स्टैंप लगी हुई है, नीचे स्टैंप लगी हुई है और साथ में मतलब कोई इसके साथ का जो है दूसरा लेकर आएगा तभी इसकी पहचान हो पाएगी कि उसके पास ये उसी का यही है। ये इसके साथ का जो भी होगा, जिसका भी होगा, इसके साथ होगा, वो साथ लेके आएंगे और अपना दिखा के इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये सोने का कान का टॉपस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बकायदा इसको सुनियारे से चेक भी करवाया और उन्होंने बताया कि ये असली गोल्ड का ही है, असली सोना है ये। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वो ये भी सोच सकते थे ठीक है मिल गया है अपने पास रख लेते हैं, किसने देखना है, चाहे आदमी के पास कितना भी रुपया हो, अगर रस्ते पर गिरा थोड़ा सा पैसा हो, कोई उसे ना देख रहा हो तो वो उठा ही लेता है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल इन्होंने एक तरीके से यही इनका था कि जिसका भी ये है कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति परेशान हो रहा होगा, उसने कहीं ना कहीं मेहनत से इसे जोड़ा होगा और वहाँ पर लेबर है तो शायद इनके दिमाग में ये भी आया होगा किसी लेबर का होगा और उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं कीमती ज़रूर है। सोने के भाव जो है इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों के लिए एक सेविंग का पार्ट ही होता है। तो यहाँ पर जो है सर आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो है इसके साथ का से मिलता है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। मेरा नंबर है 9416236859। दोबारा बता दीजिए 9416236859 और 511 नई अनाज मंडी में मेरी दुकान नंबर है, मान सिंह कृष्ण कुमार के नाम से। जी जी जी, जी। तो यहाँ पर इन्होंने अपना एड्रेस भी बताया है और यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देते हैं, देखना ज़रूरी है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि जिसका गिरा था ये नई अनाज मंडी के अंदर इन्हें मिला है। नई अनाज मंडी के अंदर जिसका भी गिरा हो, किसी भी महिला का, तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य हो वो इनसे संपर्क कर सकता है नई अनाज मंडी करनाल के। और यहाँ पर जो है फिलहाल इसकी भी कुछ ना कुछ कीमत ज़रूर है, सोने के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं, लोग इतनी मेहनत से जो है चीज़ें लेते हैं। कीमत का है ये 15,000 रुपये की कीमत बताई है उन्होंने। 15,000 रुपये? हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो यानी 5 ग्राम के आसपास वजन है इसका, 5 ग्राम तो 25-30 लगभग 15,000 रुपए का है, तो 2-3 ग्राम के आसपास का, 2 ग्राम से 2.25 ग्राम के लगभग है, 2.25-2 ग्राम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। तो यहाँ पर जो है आपसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ईमानदारी एक ऐसी चीज होती है जो किसी को सिखाई नहीं जा सकती, किसी को पढ़ाई नहीं जा सकती, ये सिर्फ खुद ब खुद जो है पैदा होती है। तो यहाँ पर उसी का सबूत एक तरीके से इन्होंने दिया है और नई अनाज मंडी में आप पहुँच कर जो है वहाँ पर भी इनकी 511 नंबर दुकान है या फिर जो है इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर भी हम कैप्शन में डाल देंगे। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।